हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स का अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स किया था। आज भी हम लोग कॉन्स्टेंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग कॉन्स्टेंट्स के रिलेटेड और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट विल सॉल्व। इसमें आप देख सकते हो देयर आर थ्री ब्लॉक्स, ठीक है? तो बेसिकली मुझे इस सिस्टम में हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है और इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, ठीक है? स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट क्लासेस अच्छी तरह से पढ़ा तो आपके लिए ये काफ़ी इजी होगा, ठीक है? तो इस वायर में टेंशन मान लेते हैं टी, ठीक है? तो इस बॉडी, ये वाला बॉडी पे लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, है कि नहीं? हर एक बॉडी में टेंशन कैसा लगता है? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। इस पुली पे भी लगेगा अवे फ्रॉम द पुली, इस पुली पे भी लगेगा अवे फ्रॉम द पुली, ठीक है? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी टेंशन होगा, लेकिन इसका मेरे प्रॉब्लम्स में कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, इस वायर में टेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो मैंने बोला था मतलब क्या, हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, कि सेंटर से जो वायर होता है उसमें टेंशन इस वायर के टेंशन के ट्वाइस होता है, यस और नो? सेंटर से जो वायर होता है, ठीक है ना, पुली के सेंटर से जो वायर होता है उसमें टेंशन इस वायर के टेंशन के ट्वाइस होता है। तो इसमें टेंशन क्या है? ट्वाइस टी, ठीक है ना? इसमें टेंशन क्या है? ट्वाइस टी। तो इस बॉडी पे 1 kg पे अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है कितना? ट्वाइस टी। नेक्स्ट, 2 kg, 1 kg, 3 kg किस ओर एक्सीलरेट हो रहा है? पता नहीं मुझे, तो पता नहीं तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन गैस मार देता है, ठीक है? मान लेते हैं 2 kg इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन A1, 1 kg इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन A2, एंड 3 kg इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन A3, ठीक है? अगर मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन गलत होगा तो खुद ब खुद माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये सब हम लोग को पता है। सो कितना अननोन से? 3, A1, A2, A3 एंड T, टेंशन। तो कितना इक्वेशन होगा? सॉरी, कितना अननोन है? 4, सॉरी, A1, A2, A3 एंड T, देयर आर 4 अननोन्स, ठीक है? तो इक्वेशन कितना होगा? 4, ठीक है? इसमें 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 न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे और इस स्ट्रिंग में लगाएंगे हम लोग क्या? लगाएंगे टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर, ठीक है ना? पता है ना हम लोगों को स्टूडेंट्स? तो ध्यान देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इस पे ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन और नीचे की ओर होगा इसका वेट 2g, ठीक है ना? नीचे की ओर होगा इसका वेट 2g, ठीक है? तो नेट फोर्स टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 2g माइनस टी। मैंने वेट यहाँ पे और दिखाया नहीं, फिगर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं। सो 2 kg का वेट कितना नीचे का? 2g। सो 2g माइनस टी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। कोई प्रॉब्लम? नो। देन इस पे क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका एक्सीलरेशन किस ओर? नीचे। तो नेट फोर्स किस ओर होगा? नीचे। 1 kg का वेट 1g और ऊपर क्या लग रहा है? 2t। तो नीचे के और नेट फोर्स क्या होगा? 1g, यानी कि सिंपली g लिख सकते हो आप, ठीक है ना? नीचे के और वेट क्या होगा? 1g, mg होता है ना, तो 1g इज बेसिकली g माइनस 2t इज इक्वल्स टू मास, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। हम लोगों ने इसका एक्सीलरेशन कितना लिया? A2। देन इसका एक्सीलरेशन किस और? नीचे लिया। तो नीचे के और नेट फोर्स क्या होगा? 3g माइनस टी। 3g क्या है? 3g इज वेट ऑफ 3 kg। सो 3g माइनस टी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट, इस वायर पे, इस थ्रेड पे हम लोग लगाएंगे समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। यहाँ पे टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे।
तो एंगल कितना 180, सो क्या होगा टी ए वन कॉस ऑफ 180, टी ए वन डॉट प्रोडक्ट ना, टी ए वन कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज माइनस वन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो, देन 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 इस वायर के साथ क्या क्या बॉडीज है, ठीक है ना, एडजॉइनिंग बॉडीज क्या है, ये वाला पुली, तो ये वाला पुली तो इसके साथ फिक्स्ड है, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसको लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर एक्सीलरेशन ही जीरो होगा, एक्सीलरेशन नहीं मतलब क्या, एक्सीलरेशन जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब ये जीरो आएगा, तो इसको लेके इसको लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये वाला, तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है ना, जस्ट बाय अप्लाइंग योर लॉजिक ओनली यू कैन सी दैट अगर 1 kg का एक्सीलरेशन नीचे होगा A2, तो इस पुली का भी एक्सीलरेशन नीचे होगा A2। अगर 1 kg का एक्सीलरेशन नीचे होगा A2, तो इस पुली का भी एक्सीलरेशन नीचे होगा A2, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है, सिंपल, ठीक है ना। तो इस टेंशन इसका एक्सीलरेशन कितना A2, किस और नीचे, तो इस पर टेंशन डॉट ए वैक्टर क्या होगा, टेंशन डॉट ए वैक्टर क्या होगा, टी ए टू कॉस ऑफ 180 माइनस वन। सिमिलरली ये वाला एक्सीलरेशन किस और नीचे, टी ए टू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 का माइनस लिख लिया मैंने। नेक्स्ट एडजॉइनिंग इस स्ट्रिंग के साथ, इस थ्रेड के साथ एडजॉइनिंग बॉडी नेक्स्ट ये वाला, लेकिन इसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो टी डॉट ए भी क्या होगा जीरो। नेक्स्ट ये वाला टेंशन की जोर ऊपर, एक्सीलरेशन की जोर नीचे, एक्सीलरेशन कितना A3, सो प्लस टी A3 कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज माइनस वन। वाई कॉस ऑफ 180, बिकॉज टेंशन एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो, सो माइनस टी कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आया A1 प्लस A2 प्लस A2, सो यू कैन राइट ट्वाइस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, देयरफॉर A1 प्लस, अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और A1 प्लस ट्वाइस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू जीरो, कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? नो, सो दिस आर द 4 इक्वेशंस, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम दिस 4 इक्वेशन यू नीड टू फाइंड A1 A2 A3 एंड टेंशन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो, अभी कैसे निकाले ये वाला सॉल्व करके दे देता हूं, ठीक है ना। इन द लास्ट क्लास 2 इक्वेशंस का सॉल्व किया, 3 इक्वेशंस का सॉल्व किया, आज एक 4 इक्वेशन का एक सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या करते हैं। सो इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1, A1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2g माइनस t बाय 2। सो A1 के जगह पे लिख सकते हैं 2g माइनस t बाय 2, कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। देन A2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, G माइनस 2st, 1 मल्टीप्लाई बाय A2 इज बेसिकली A2, सो A2 इक्वल्स टू G माइनस 2st, तो 2 के जगह पे A2 के जगह पे लिखेंगे हम लोग G माइनस 2st, कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्लस A3 के जगह पे क्या लिख सकते हो, A3 के जगह पे आप लिख सकते हो 3G माइनस T बाय 3, 3G माइनस टी बाय 3, एनी प्रॉब्लम? नो, इट इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू कंसेंट्रेट क्लियरली यू कैन सी दैट यहाँ पे इस इक्वेशन में अननोन क्या है, इट्स टी, इस इक्वेशन में अननोन क्या है, टी है, तो यहां से तो टी निकल के आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, यहां से टी निकाली आप, निकल जाएगा कि नहीं, 80 इन टर्म्स ऑफ जी निकल जाएगा, आप जी के जगह पे 10 बिठाने का जरूरत नहीं है, इन टर्म्स ऑफ जी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर में जीट को जी के जगह पे 10 बिठा दीजिएगा, ठीक है। यहां से टी निकल के आ गया, यहां से इस इक्वेशन से टेंशन निकल के आ गया, हाँ सर आ गया। अभी टेंशन आप इक्वेशन 1 में बिठाओगे तो A1 आ जाएगा, यही टेंशन आप इक्वेशन 2 में बिठाओगे तो A2 आ जाएगा,
यही टेंशन आप इक्वेशन थ्री में मिटाओगे तो ये थ्री आ जाएगा, सॉल्व्ड सॉल्व्ड। ये तो आप लोग कर लोगे ना स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सर कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ईजी लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स वही है, ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन निकालना है और आप स्ट्रिंग्स में टेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन निकालना है, स्ट्रिंग्स पे टेंशन का भी वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स 4 केजी का एक्सीलरेशन मान लेते हैं नीचे की ओर A1 एंड 1 केजी का एक्सीलरेशन मान लेते हैं ऊपर की ओर A2। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इस वायर पे टेंशन मान लेते हैं T, इस वायर पे टेंशन मान लेते हैं T। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस 1 केजी को थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस वायर पे टेंशन मान लेते हैं टी। ठीक है, तो इस बॉडी पे लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी टी, इस पुली पे लगेगा अवे फ्रॉम द पुली टी, यहां पे भी लगेगा अवे फ्रॉम द पुली टी, मतलब पुली पे लग रहा है टी, पुली पे लग रहा है टी, पुली पे लग रहा है टी, अवे अवे। ठीक है, और इस 4 kg के इस 4 kg पे भी लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी टी। ये वाला टेंशन इस पे लग रहा है, ये टेंशन इस पुली पे लग रहा है, ये टेंशन इस पुली पे लग रहा है, और ये वाला टेंशन इस बॉडी पे लग रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। नेक्स्ट, हम लोग को पता है कि इस वायर पे या इस थ्रेड पे जो टेंशन होता है सेंटर से जो जाता है उस पर टेंशन टूवाइस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? टूवाइस। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा? टूवाइस टी। ये किस पे लग रहा है? इस बॉडी पे। यहाँ पे क्या होगा? टूवाइस टी। ये किस पे लग रहा है? इस पुली पे। ठीक है ना, तो बेसिकली इस वायर पे टेंशन कितना है? टूवाइस टी। यहाँ पे भी लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी टूवाइस टी, और इस पे भी लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी टूवाइस टी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। तो स्टूडेंट्स 4 kg और 1 kg के लिए एक एक इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 4 kg का एक्सीलरेशन कितना? A1, और किस ओर? नीचे की ओर। 4 kg पे 2t प्लस टी यानी कि 3t ऊपर की ओर लग रहा है और नीचे की ओर होगा वेट 4g, और एक्सीलरेशन नीचे, तो नेट फोर्स किस ओर लोगे आप? नीचे। तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? 4g माइनस 3t, 4g माइनस 3t इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर? नीचे की ओर वेट, ऊपर की ओर 2t प्लस टी। ये इस पे लग रहा है, ये भी इस पे लग रहा है। 2t लग रहा है इस वायर पे और t लग रहा है इस वायर के लिए। समझ में आया होगा? सो 4g माइनस 3t इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन नीचे तो नेट फोर्स किस ओर? नीचे। नेक्स्ट 1 kg पे इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 kg पे इक्वेशन क्या होगा? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 1 kg पे इक्वेशन क्या होगा? तो 1 kg का एक्सीलरेशन किस ओर लिया आपने? ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स किस ओर लेना है? ऊपर की ओर। 1 kg पे 1 लग रहा है टेंशन ऊपर की ओर, नीचे होगा उसका वेट 1g, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा? एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है तो नेट फोर्स इज टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। सो टी माइनस 1g इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो 2 इक्वेशन मिल गया, और एक इक्वेशन चाहिए A1 और A2 को रिलेट करके। स्टूडेंट्स अभी आपको बहुत ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, इस पुली, ये तो फिक्स नहीं है ना किसी के साथ, ये वाला फिक्स्ड है, ये तो किसी के साथ फिक्स नहीं है। तो ये 4 kg का एक्सीलरेशन नीचे A1, तो इस पुली का एक्सीलरेशन, इस पुली का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर मान लेते हैं A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पुली का एक्सीलरेशन मैंने ऊपर की ओर माना A3, वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए, A1 और A2 चाहिए। तो इस पुली का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर मान लेते A3,
ठीक है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। तो इस स्ट्रिंग पे हम लोग टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो करते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो करके देखते हैं क्या इक्वेशन आता है ये वाला स्ट्रिंग पे। स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये वाला स्ट्रिंग पे, ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ध्यान देना है, तो इस स्ट्रिंग के, ये वाला स्ट्रिंग के एडजॉइनिंग बॉडीज क्या है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला पुली एंड ये वाला पुली इस स्ट्रिंग के, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा इक्वेशन, 2t, मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। सो 2t ऊपर की ओर और एक्सीलरेशन a1 किस ओर, नीचे की ओर, 2t ऊपर की ओर और एक्सीलरेशन a1 किस ओर, नीचे की ओर। तो होगा 2t a1 cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 क्या होगा, माइनस वन। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस स्क्वायर पे लगा रहा हूँ, सिर्फ इस स्क्वायर पे, ठीक है। नेक्स्ट, इस बॉडी का तो एक्सीलरेशन जीरो होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, ये किसी और एक्सीलरेट नहीं कर सकता। तो बिकॉज एक्सीलरेशन जीरो, तो टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो हो गया। नेक्स्ट, इस स्ट्रिंग के साथ या इस थ्रेड के साथ और कौन सा एडजॉइनिंग बॉडी है, ये वाला पुली, जिसका एक्सीलरेशन आपने माना ऊपर की ओर ए थ्री, आपने माना ना ऊपर की ओर ए थ्री। तो ध्यान दीजिए, इस पे ऊपर की ओर टेंशन क्या लग रहा है, इस थ्रेड में, बेसिकली इस थ्रेड पे क्या टेंशन लग रहा है, इस थ्रेड के लिए, इस थ्रेड के लिए इस बॉडी पे क्या टेंशन लग रहा है, टू टी, एक्सीलरेशन कितना ए थ्री, सेम डायरेक्शन, सो प्लस टू टी ए थ्री, सेम डायरेक्शन, तो कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस जीरो इज वन, ठीक है, हो गया। समीशन ऑफ टी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल्स टू जीरो लिख दीजिए, ठीक है, टू टी कॉमन लीजिए, माइनस ए वन प्लस ए थ्री इक्वल्स टू जीरो, यस और नो। सो टू टी तो जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू जीरो, सो माइनस ए वन प्लस ए थ्री इक्वल्स टू जीरो, और ए थ्री इक्वल्स टू ए वन, माइनस ए वन उधर जाएगा ना, सो ए वन इक्वल्स टू ए थ्री, या ए थ्री इक्वल्स टू ए वन। अच्छा, ये तो ए वन ही आया, तो यहाँ पे ए वन लिख देता हूँ, क्लियर, समझ में आया। ए थ्री, ये तो मैंने ए थ्री माना था कि ये पुली ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है विथ एक्सीलरेशन ए थ्री, लेकिन ए थ्री तो आया ए वन के बराबर, तो इस पे आप ए वन लिख लीजिए, समझ में आया, आया आया। और ये बिना किए भी समझ में आता है स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए, इस स्ट्रिंग को देखिए, इस स्ट्रिंग को देखिए, सिर्फ ये पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन ए वन, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा विथ एक्सीलरेशन ए वन, ठीक है, ये पुली फिक्स्ड है ना, ये पुली फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट अगर नीचे की ओर जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए वन, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा विद एक्सीलरेशन ए वन, ठीक है। और मैंने निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ अभी जो मैंने किया यहाँ पे, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि दिस पोली विल एक्सीलरेट अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए वन। नेक्स्ट, मेरे स्टूडेंट्स इस वेयर पे मैं फिर से समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो करूंगा, ठीक है ना, इस वेयर पे मैं समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। तो देखते हैं इस वेयर के एडजॉइनिंग बॉडीज क्या क्या है, दिस वन एंड दिस वन। तो इस पे टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर, तो हो गया टी ए टू कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस जीरो इज वन, प्लस इस स्क्वायर को ही देखना है स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को ही देखना है। तो इस स्क्वायर पे, इस बॉडी पे टेंशन क्या लग रहा है, इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर के एडजॉइनिंग बॉडीज है ये, इस स्क्वायर के लिए, इस स्क्वायर के लिए, इस स्क्वायर के लिए इस बॉडी पे टेंशन किस ओर लग रहा है, टी टी, इस वायर को ही देखना है, इस वायर को ही देखना है। आप इस वायर पे लगा रहे हो ना समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, तो इस वायर पे, इस पुली पे टेंशन किस ओर लग रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसका एक्सीलरेशन किस ओर है, इस पुली का एक्सीलरेशन किस ओर है, ऊपर, कितना, ए वन। सो टेंशन एंड ए वन तो उल्टा है, टेंशन एंड ए वन तो उल्टा है,
सो टी ए वन कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज माइनस वन, इसके लिए लिखा मान लेते हैं, अभी इसके लिए लिख लो टी ए वन कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज माइनस वन। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट, खत्म नहीं हुआ। इस स्क्वायर पे लगा रहे हैं ना हम लोग समीशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, तो ये वाला एडजोइनिंग बॉडी देख लिया, ये वाला देख लिया, लेकिन इसका एडजोइनिंग बॉडी, इस थ्रेड का एडजोइनिंग बॉडी तो ये वाला भी है कि नहीं? तो इस बॉडी पे, इस वायर पे टेंशन किस ओर लग रहा है, मतलब इस वायर के लिए इस बॉडी पे टेंशन किस ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, और इसका एक्सीलरेशन किस ओर है, नीचे ए वन, ठीक है, टेंशन ऊपर एक्सीलरेशन नीचे। सो टी ए वन, टी ए वन उल्टा, सो कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज माइनस वन, हो गया, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, इक्वल्स टू जीरो लिख दीजिए, क्लियर। टी को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आया, ए टू माइनस ए वन माइनस ए वन माइनस ए वन, सो माइनस थ्री ए वन इक्वल्स टू जीरो, टेंशन जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स ए टू माइनस थ्री ए वन इक्वल्स टू जीरो। आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, बहुत स्टेप्स कम हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्टेप्स कम होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस, फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस आपका ए वन ए टू एंड टी निकल के आ जाएगा। कैसे कैसे सर, एक बार बोल दीजिए ना स्टूडेंट्स। इक्वेशन टू को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन टू को अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये थ्री टी हो जाएगा, उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगा, ठीक है मैं करके देता हूँ, इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन टू क्या आएगा, 3t माइनस 3g इक्वल्स टू 3a2। अभी ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन कर दीजिए, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो 4 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, तो 4g माइनस 3g, 4g माइनस 3g इज g, 3t माइनस 3t कैंसिल, 4a1 प्लस 3a2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी देखिए इस इक्वेशन में a1 a2 है, इस इक्वेशन में a1 a2 है, g तो कांस्टेंट है, g तो 10 है, तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस आप a1 a2 निकाल लीजिए, a1 a2 निकाल लेंगे, a1 a2 निकाल लेंगे तो इन दोनों में से किसी में से a1 a2 निकाल लेंगे तो इसको यूज करके टेंशन निकाल सकते हो, और या इसको भी यूज करके आप टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। टी क्या है, टेंशन इन दिस वेयर, टी क्या है, टेंशन इन दिस वेयर, और इसमें टेंशन कितना है, इसमें टेंशन तो ट्वाइस टी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ टेंशन इज 5 न्यूटन, टी आया 5 न्यूटन, टी आया 5 न्यूटन, दैट मीन्स आप बोलोगे इस वेयर में टेंशन है 5 न्यूटन और इस वेयर में टेंशन है 2 × 5 यानी कि 10 न्यूटन। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पुली और ये वाला पुली फिक्स्ड है, ये वाला रॉड है स्टूडेंट्स, ये वाला रॉड है, ठीक है, दिस वन इज रॉड, दिस वन इज रॉड, ठीक है, इवन दिस वन इज ऑल्सो रॉड, ठीक है, ये वाला और ये वाला रॉड है, ठीक है, सब रिजिड सपोर्ट है, सो दिस पुली इज फिक्स्ड, दिस पुली इज फिक्स्ड, क्लियर। ये वाला पुली कैसे फिक्स्ड होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये पुली भी नीचे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये पुली भी फिक्स नहीं है, ये पुली इधर जाएगा, ये ब्लॉक भी इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला पुली फिक्स्ड है और ये वाला पुली फिक्स्ड है, दिस एंड दिस, दिस टू आर रॉड्स, ठीक है, रॉड मान सकते हो, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। तो मुझे इस ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर मान लेते हैं ए वन, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ओर मान लेते हैं ए टू, क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम? नो, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो ये वाला स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना है, यहां से तो इस स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन मान लेते हैं टी,
क्या है टी, तो इस पुली पे लगेगा अवे फ्रॉम द पुली टी, इस पुली पे लगेगा अवे फ्रॉम द पुली टी, ये जा रहा है सर। इस पुली में नहीं दिखाएंगे क्या? दिखा सकते हो आप, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है ना पूरा इसके साथ, ठीक है, रॉड के हेल्प से पूरा फिक्स्ड है ये, तो इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो टेंशन दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन होगा ऑब्वियसली, इधर टेंशन होगा इधर टेंशन होगा। नेक्स्ट, इस पुली पे अवे फ्रॉम द पुली टी, इस पुली पे अवे फ्रॉम द पुली टी, इस पुली पे, अच्छा इसमें भी दिखाने का कोई फायदा नहीं है, आप दिखा सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक रॉड के हेल्प से रिजिड सपोर्ट के साथ पूरा फिक्स्ड है, मतलब ये अपने जगह से हिल नहीं सकता, सो एक्सेलरेशन जीरो होगा। नेक्स्ट, इस बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी टी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये वाला में अगर टी तो इसमें क्या होता है टू टी, पता है ना, इसमें अगर टी तो सेंटर से जो जाता है उसमें क्या होता है ट्वाइस होता है, तो इस बॉडी पे लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी ट्वाइस टी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इसमें टी है तो इस पे क्या होगा टू टी, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट, दो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक पे इधर 4m इसका मास है, 4 मीटर नहीं है, ठीक है, 4m इसका m और इसका 4m। स्टूडेंट्स इस ब्लॉक पे इधर कितना फोर्स लग रहा है, 2t एंड t, 3t, इधर कोई फोर्स नहीं है, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो नेट फोर्स 3t इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन इस ओर कितना लिया आपने a2, हो गया हो गया। नेक्स्ट, इस पे लगाइए इक्वेशन, इस पे लगाइए, तो इस पे ऊपर की ओर फोर्स है 2t, नीचे की ओर होगा mg, इसका मास है m, तो वेट क्या होगा mg, तो नीचे की ओर नेट फोर्स क्या होगा mg माइनस 2t, mg माइनस 2t इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, समझ में आया होगा, mg माइनस 2t इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया सर। नेक्स्ट, ध्यान देना, ध्यान देना, इस थ्रेड पे हम लोग लगाएंगे समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सो एकदम धीरे धीरे, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, इजी, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, हाँ ठीक है, तो ये वाला स्ट्रिंग तो एडजॉइनिंग बॉडीज को देखना है अभी सिर्फ और कुछ नहीं, इसको देखिए, यहाँ पे इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है ना, तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन किस ओर है, इस ओर, टेंशन किस ओर, इस ओर, ये बॉडी का एक्सेलरेशन किस ओर, इस ओर, टेंशन किस ओर, इस ओर, तो क्या होगा टी ए टू कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो इज वन। नेक्स्ट, जाते 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 एडजॉइनिंग बॉडी आ गया एक, ये तो फिक्स्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंशन वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट, जाते 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 इसमें स्टूडेंट्स, ये वाला ब्लॉक अगर इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये इस यार एक्सेलरेट हो रहा है इसलिए तो ये वाला इस यार एक्सेलरेट हो रहा है, हाँ या ना, ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट दिख रहा है क्लियरली, जनरली समझ में आ रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन इस ओर होगा इसका भी तो उस ओर एक्सेलरेशन यही होगा, तो इसका ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इस ओर क्या है a2 है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन इस ओर क्या है a2 है, समझ में आया आया आया, तो इस पुली का एक्सेलरेशन इस ओर क्या है a2, तो t a2 समझ में आया होगा, सो t a2 प्लस t a2 सेम डायरेक्शन ना, एक्सेलरेशन a2 इस ओर, टेंशन इस ओर, ठीक है ना, इस पुली का एक्सेलरेशन इस ओर क्या है a2, ठीक है, इस पुली का एक्सेलरेशन इस ओर a2 होगा तब जाके इसका एक्सेलरेशन इस ओर a2 होगा, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, t a2 cos 0 degree, समझ में आया होगा, cos 0 is 1। नेक्स्ट, आगे बढ़ते इसमें आ जाते हैं, तो ये तो फिक्स्ड है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसको देख के कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ते ये वाला आ गया, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन किस ओर होगा a1, नीचे क्यों होगा, क्लियरली दिख रहा है ना,
ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर नीचे है 1, तो ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन नीचे 1 है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन किस ओर होगा? नीचे होगा, कितना होगा? 1 होगा। अगर इस ब्लॉक का नीचे का एक्सेलरेशन 1 है, तो ये तो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसका भी नीचे का एक्सेलरेशन होगा 1। तो ध्यान से देखना है, t a1, समझ में आया होगा? सो -t a1 -t a1, क्यों -t सर? क्योंकि टी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, टी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। सर ये वाला बॉडी एडजोइनिंग बॉडी नहीं है क्या? कैसे एडजोइनिंग बॉडी हुआ? इस स्ट्रिंग के साथ कहा ये बॉडी एडजोइनिंग बॉडी हुआ, ठीक है ना? इस स्ट्रिंग के साथ क्या क्या एडजोइनिंग बॉडी है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। समझ में आया होगा? आया? सो इक्वल्स टू लिख दीजिए 0, टेंशन को कॉमन ले लीजिए, a2 + a2 + a2 आएगा 3a2, -a1 -a1 तो आ गया -2i a1 इक्वल्स टू 0, और 3a2 - 2i a1 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो बहुत बार बोला और नहीं बोलूंगा, ठीक है? इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको a1 a2 निकालना है। आप चाहो तो टेंशन t भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस स्ट्रिंग टेंशन इज t, इसमें कितना 2t, इसमें कितना 2t। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया ना? थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, ठीक है इजी, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हर एक सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है? हर एक सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है? मतलब ये जो आप देख रहे हो ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये भी मतलब फिक्स नहीं है, ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है? ये भी मूवेबल है, ठीक है? ये वाला भी मूवेबल है, एंड ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो फ्रेंड्स ये दो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है? मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये सिर्फ नीचे आ सकता है, सिर्फ नीचे एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है? तो ये वाला ब्लॉक किसी और जाएगा या नहीं जाएगा तो देखेंगे, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको इसका और इसका, ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इस शेप का बॉडी को कहते हैं बेसिकली वेज, ठीक है? इस शेप का बॉडी को हम लोग बेसिकली कहते हैं वेज, ठीक है? और इस टाइप का प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं वेज कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, एकदम धीरे धीरे, बहुत इजी होगा लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वाला बॉडी, ठीक है? और इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये वाला बॉडी का तो आपको समझ में आया होगा, ये वाला बॉडी सिर्फ नीचे की ओर एक्सेलरेट हो सकता है, ये दोनों फिक्स्ड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, ठीक है? जो मैंने ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है ये रिजिड सपोर्ट है, तो ये बॉडी सिर्फ नीचे आ सकता है, सिर्फ नीचे आ सकता है। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आप दे सकते हो, देना चाहो तो a1, ठीक है? इसका थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट ध्यान से, इसका मास क्या है m और इसका मास क्या है 2m। अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये दोनों सरफेस टच किया हुआ है तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन होगा, यस और नो? यस। इस पे लगेगा इस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नाम दे देते n, और इस पे भी लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस n। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो।
ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एन एन, ठीक है। हम लोग को पता है कि इफ दिस इज 37 देन दिस एंगल इज 37, यस कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ध्यान देना है, ये एंगल कितना? 37। तो इधर कंपोनेंट क्या होगा एन का? एन कॉस 37, और इधर क्या होगा? एन साइन 37। क्लियर ना? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एंगल इज 37, तो इफ दिस इज एन, तो इस और क्या होगा? एन कॉस 37, और इस और क्या होगा? एन साइन 37। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक पे अगर आप, इस वेज पे अगर आप ध्यान दोगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, एन साइन 37। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, एन साइन 37। तो अगर ईश्वर फोर्स से, तो एक्सीलरेशन ईश्वर होना पड़ेगा, ईश्वर होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो चुका होगा कि दिस ब्लॉक विल एक्सीलरेट टुवर्ड्स राइट विद एक्सीलरेशन लेट इट बी ए टू। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये ईश्वर एक्सीलरेट करेगा विद एक्सीलरेशन ए टू। कोई हड़बड़ी नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, If this angle is 37, then this angle is also 37. Clear ना? ध्यान दीजिए। तो this angle is 37, तो इस और कंपोनेंट क्या होगा? N cos 37. ठीक है? N cos 37. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No. कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? No. और इस और होगा N साइन 37। ना स्टूडेंट्स, ये वाला ब्लॉक का एक्सीलरेशन सिर्फ नीचे हो सकता है, लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट राइट वो जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस टू सपोर्ट्स। ये बॉडी लेफ्ट राइट नहीं हो सकता, सिर्फ नीचे आ सकता है। तो स्टूडेंट्स इस बॉडी का अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और एक फोर्स होगा, इस बॉडी का क्या फोर्स होगा? यस इट इज वेट। अगर इसका मास है एम, तो इधर वेट क्या होगा? एम जी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट ध्यान दीजिए प्लीज। तो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर देखेंगे, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ए वन, दिस ब्लॉक इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए वन। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या और नेट फोर्स क्या है? क्लियरली इट्स एम जी माइनस एन कॉस 37। सो एम जी माइनस एन कॉस 37, दिस इज द नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी विच इज एम मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ए वन। क्लियर? एंड कॉस 37, ये तो आप लोगों को आ जाना चाहिए ना स्टूडेंट्स। इस ट्राइंगल के बारे में मैंने हजार बार बोला है कि नहीं, कि ये मान लीजिए 37 है, ये 53 है, तो ये क्या होगा? 5, ये क्या होगा? 3, ये क्या होगा? 4। क्लियर? सो एम जी माइनस एन कॉस 37 क्या होगा स्टूडेंट्स? बेस बाय हैप्पी टू न्यूज, तो 4/5, या इसको 4/5 एन लिख लेता हूँ, 4/5 एन इक्वल्स टू एम ए वन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट इस बॉडी पे देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बॉडी राइट की ओर जाएगा विथ एक्सीलरेशन ए टू। एक्सीलरेशन ए टू हम लोग ने लिया, माना, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन साइन 37, एन साइन 37। क्लियर? ठीक है, और ऑब्वियसली ये बॉडी लेफ्ट की ओर एक्सीलरेट नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेफ्ट की ओर कोई फोर्स भी नहीं है, और ये वाला बॉडी अगर नीचे आ रहा है तो ये लेफ्ट की ओर एक्सीलरेट नहीं कर सकता, ये राइट की ओर एक्सीलरेट करेगा। तो इस बॉडी पे राइट की ओर यानी कि एक्सीलरेशन ए टू की ओर क्या फोर्स है? द ओनली फोर्स इट इज एन साइन 37। तो आप इक्वेशन लिखिए एन साइन 37 इक्वल्स टू मास ऑफ दिस वेज, मास ऑफ दिस ब्लॉक विच इज ट्वाइस एम मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर? तो
एन साइन 37 क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 3 by 5 एन इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना क्या है, A1 एंड A2, मतलब A1 एंड A2, ठीक है, A1 एंड A2 निकालना, एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सफिशिएंट है? आंसर इज नो। तीन अननोन है यहाँ पे, A1, A2 एंड N, तो और एक इक्वेशन चाहिए होगा, और एक इक्वेशन चाहिए होगा। फ्रेंड्स अभी आपको फिर से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है फॉर वेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को थोड़ा लॉजिकली समझना है, लॉजिकली ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है और ये वाला ब्लॉक इस ओर एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन A2। लेकिन स्टूडेंट्स इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस, बार बार बोल रहा हूं लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस और इस ब्लॉक का या इस वेज का ये वाला सरफेस, ये दो हमेशा टच किया हुआ है, और जब ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा और ये वाला ब्लॉक इस ओर एक्सेलरेट करेगा तब भी ऐसे टच किया हुआ रहेगा। ऐसे मैं इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं और इस वेज का भी ये वाला सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं। जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा और ये वाला ब्लॉक इस ओर एक्सीलरेट हो रहा होगा और ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा होगा तब भी ये दोनों सरफेस तो ऐसे टच किया हुआ रहेगा, हाँ या ना? इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस और इस ब्लॉक का भी ये वाला सरफेस तो टच किया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इस डायरेक्शन में दोनों बॉडीज का एक्सीलरेशन या वेलोसिटी एट एनी टाइम सेम होना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सरफेस, ये दो बॉडी का ये सरफेस, फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में नहीं, ऐसे भी यहां पे देखें, दो बॉडी का ये सरफेस ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सीलरेशन या वेलोसिटी एट एनी टाइम सेम होना पड़ेगा, इसीलिए तो टच किया हुआ है। अगर एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, अगर इस डायरेक्शन में फ्रेंड्स एक्सीलरेशन अलग होगा या छूट जाएगा या ये वाला इसके अंदर घुस जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में, प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान देना है, अगर इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है, इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इस डायरेक्शन में अगर इन दोनों का एक्सीलरेशन का कंपोनेंट अलग होगा या सेपरेट होना चाहिए या ये वाला इसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन दोनों नहीं हो रहा है, टच किया हुआ रहेगा। इस बॉडी का और इस बॉडी का परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट या वेलोसिटी का कंपोनेंट एट एनी टाइम इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा। थोड़ा और सोचिए आप लोग, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पे।
तो मैं बॉडी को थोड़ा फ्री करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कंसेंट्रेट। तो थोड़ा और ऊपर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये वाला बॉडी एसोर आ रहा है विद एक्सेलरेशन A1। तो अगर आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस का बात करोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, तो स्टूडेंट्स इफ दिस एंगल इज 37, दिस एंगल इज ऑल्सो 37, यस और नो? यस सर। यहां पे भी तो दिखाया ना स्टूडेंट्स ऐसे, तो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होता है, 37 है, यही एंगल के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो अगर इधर A1 है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा, A1 cos 37। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला ब्लॉक या ये वाला वेज इस और एक्सीलरेट कर रहा है विद एक्सीलरेशन A2। क्लियर, ध्यान देना है, मुझे देखना है कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। स्टूडेंट्स इफ दिस इज 37 देन दिस एंगल इज 37। अगर ये A2 है तो ये क्या होगा, A2 cos 37, लेकिन मुझे तो ये वाला चाहिए, तो ये क्या होगा, A2 sin 37। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बार 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 बोला कि अगर ये दो सरफेस टच किया हुआ रहेगा, ऐसे ही अगर टच किया हुआ रहेगा, मार्कर को नहीं देखना है, अगर ये वाला दो सरफेस ऐसे टच किया हुआ रहेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इक्वल होना पड़ेगा। इस सरफेस का परपेंडिकुलरली एक्सीलरेशन का कंपोनेंट क्या है, A1 cos 37, और इस बॉडी का परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट क्या है, A2 sin 37, दैट मींस A1 cos 37। ये वाला सर, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। समझ में आया होगा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है, A2। दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दिस कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आया? नाउ व्हाट इज cos 37, cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। व्हाट इज sin 37, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। 5/5 कैंसिल, सो 4A1 इक्वल्स टू 3A2, 4A1 इक्वल्स टू 3A2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस तरीके का क्वेश्चन में अगर दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, अगर दो बॉडी का दो सरफेस ऐसे कॉन्टैक्ट में है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लाइन आप लिख के रख सकते हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन या वेलोसिटी इक्वल होगा। किस डायरेक्शन में, क्या बोला मैंने, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस या कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इक्वल होगा। अगर इक्वल ना हो, या सेपरेट हो जाएगा या एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा। अगर सेपरेट नहीं हो रहा है या एक दूसरे के अंदर नहीं घुस रहा है तो इक्वल होना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन एंड इसका एक्सीलरेशन, इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट एंड इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इक्वल होना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट
अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों कंपोनेंट इक्वल होना पड़ेगा, समझ में आया? दिस इज एक्स, दिस इज कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सीलरेशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दिस इज कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सीलरेशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इक्वल होना पड़ेगा, समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत बोला, बहुत बोला। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इन दिनों इक्वेशन से आपको ए वन एंड ए टू निकाल लेना है। वेरी इजी, वेरी इजी। ए वन के जगह पे थ्री ए टू बाई फोर, तो यहाँ पे देखिए, या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही बोला था। ए टू के जगह पे फोर ए वन बाई थ्री, ए टू के जगह पे आप फोर ए वन बाई थ्री बिठा दो, तो ये बन जाएगा थ्री बाई फाइव एन इक्वल्स टू टू आई एम, ए टू के जगह पे फोर ए वन बाई थ्री, फोर ए वन बाई थ्री आ गया। इस इक्वेशन में अभी क्या क्या अननोन है, ए वन एंड एन, और इस इक्वेशन में क्या अननोन है, ए वन एंड एन, इस इक्वेशन में ए वन एंड एन अननोन है, इस इक्वेशन में ए वन एंड एन अननोन है। इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से आप ए वन निकालिए, ए वन ला के यहाँ पे बिठा दीजिए, ए टू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से एन इक्वल्स टू जो भी आता है, एन इक्वल्स टू जो भी आता है, आप यहाँ पे एन के जगह पे बिठा देंगे तो ए वन निकल के आ जाएगा, ए वन निकल के आएगा, ए वन यहाँ पे बिठा देना, ए टू निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, दिस इज अ वॉल और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। जैसे कि मैंने बोला था, हर एक सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रेंड्स, किसी एक टाइम में ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा अभी, ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आएगा और ये वाला ब्लॉक राइट की ओर जाएगा। तो किसी एक टाइम में ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी इस ओर था 5 मीटर पर सेकेंड, ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी इस ओर था 5 मीटर पर सेकेंड। आपको ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी इस ओर क्या है वो निकालना है, ठीक है? जिस टाइम में इस ब्लॉक का वेलोसिटी इस ओर 5 मीटर पर सेकेंड था, उस टाइम में इस ब्लॉक का वेलोसिटी इस ओर क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, वेरी इजी, वेरी इजी। आपको जस्ट ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कंटेक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कंटेक्ट, दोनों वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है? ये जो ये वाला सरफेस है, ये जो दोनों सरफेस है, ये तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, दोनों बॉडी का वेलोसिटी जो है वो इक्वल होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ निकल के आ जाना चाहिए। तो देखते स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, इसका बात चल रहा है, इस ओर है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। लेट्स कंसंट्रेट, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है? मतलब मुझे 5 का कंपोनेंट इस ओर निकालना है, ठीक है? 5 का कंपोनेंट इस ओर निकालना है। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। तो बेसिकली ये एंगल जो है, ये है 37, ठीक है ना? तो ये एंगल क्या होगा, 37। क्लियर, क्लियर, बेसिक्स क्लियर होना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो इस और क्या कंपोनेंट होगा, 5 cos 37। क्लियर, ये क्लियर है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये इसका जा रहा है, ये जा रहा है ईश्वर विद वेलोसिटी v, लेकिन मुझे ईश्वर का कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एंगल है 37, तो ये एंगल भी है 37, तो ईश्वर कंपोनेंट क्या होगा, v साइन 37, ठीक है? तो इसके वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब किस
दिस कॉम्पोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, दिस कॉम्पोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ये और ये इक्वल होना पड़ेगा. कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस मस्ट बी इक्वल. सो 5 cos 37 मस्ट बी इक्वल टू v sin 37. सो v sin 37 मस्ट बी इक्वल टू 5 cos 37. ठीक है, साइन 37 कॉस 37 भूलने से कैसे होगा स्टूडेंट्स? ये सब बार बार ट्राइंगल ड्रॉ करके नहीं बोलना है, ये सब याद होना पड़ेगा, ये सब याद होना पड़ेगा. ठीक है, सो वी साइन 37 कितना है? 3/5. 5 cos 37 कितना है? 4/5. ठीक है ना, सो इम्प्लाइज v इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स? कितना आया? 20/3 m/s. मतलब ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा विथ 20/3 m/s जिस मोमेंट पे ये इस ओर आ रहा होगा विथ 5 m/s. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? जस्ट आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम या कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स?